हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माच मिस्टी मोर। आज हम आपको लेके सेक्टर 15 है फरीदाबाद जगन्नाथ देव टेम्पल के रथ यात्रा की भव्य दर्शन कराने के लिए। आप पीछे देख रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल दिख रहा है और दूर आपको रथ या जो रथ सजाए गए हैं वो भी दिख रहा है। तो मेरे साथ घूमिए, देखिए। अगर खुद रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे साथ घूम के देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। और मेरे साथ घूमिए और भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा और इसकी रथ यात्रा देखिए, मेरे साथ घूमिए और पुण्य कमाइए। तो ये भगवान जगन्नाथ टेम्पल दिख रहा है आपको। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर भगवान अभी है नहीं और यहाँ पे रथ सजाया गया है। देख रहे हैं कितने मतलब कितना भीड़ है। ये है भगवान जगन्नाथ देव की रथ जो कितने सुंदर तरीके सजाया गया है। और इसके अभी सब रथ यात्रा शुरू होगा, रस्सी खींचेंगे सब लोग और इसको आगे ले जाएंगे। और ये है जगन्नाथ टेम्पल। और वो देखिए छतरी के नीचे जगन्नाथ देव, बलराम जी और सुभद्रा जी सबको लेके रथ में चढ़ाया जा रहा है। देखिए अभी अब ये देखिए छतरी लेके जा रहे हैं, फिर रथ यात्रा शुरू हो। ये जो घोड़े दिख रहे हैं आपको, ये रथ में लगाए जाएंगे और उसी से रथ खींचा जाएगा। Yeah.
अभी इसकी रथ यात्रा शुरू होगी, रस्सी लगाई जा रही है और उसके बाद सब रथ खींचेंगे। और ये देखिए मंदिर से निकलते हुए ये रास्ता पूरा सेक्टर को घूम के जो टेम्पररी मौसीकी घर बनाया गया है, ये जगन्नाथ देव अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ अपने मौसीकी घर जाते हैं। और ये देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं ऑलरेडी। ये देखिए एकदम रथ के पास आपके आ गए हैं और अंदर देखिए जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्ति बैठाए गए हैं और रथ खींचने की तैयारी की जा रही है। ये देखिए कितने अच्छे से सजाया गया है। जय जगन्नाथ। यहाँ से देखिए सब लोग प्रसादी चढ़ा रहे हैं और ये प्रसादी वहाँ पे चढ़ाया जाएगा और बाद में जब खींचेंगे तो ये सब में बांटा जाएगा। तो आप देख रहे हैं लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, भगवान के नाम कर रहे हैं और अभी यहाँ पे रथ यात्रा शुरू हो गया है और ये रथ की रस्सी खींचते हुए इधर आएगी। हम आपको जब ये इधर आ जाएगी तब दिखाएंगे। और ये देखिए रथ आ रहा है और ये जगन्नाथ देव का टेंपल देखिए। जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर यहाँ पे प्रसादी बांटी जा रही है। वो देखिए ठंडा पानी भी पिलाया जा रहा है, शरबत भी पिलाया जा रहा है। बहुत अच्छा उपयोग है और ये पूरे रास्ते में ऐसे बनाया गया है। ये देखिए आज भगवान जगन्नाथ देव के लिए ये प्रसादी बांटने के लिए बहुत जगह से आए हैं और ये प्रसाद बांटे जाएंगे यहाँ पे रथ यात्रा के साथ साथ। ये देखिए यहाँ पे भगवान प्रसाद, भगवान के प्रसाद बांटे जा रहे हैं और इस टेम्पो में पानी बांटे जा रहे हैं। जो भी जगन्नाथ देव की रथ यात्रा में शामिल होंगे उनके लिए ये सेक्टर 8 से आए हैं, प्रसादी भी है। आप देख सकते हैं रथ की रस्सी खींचना शुरू हो गया है, रथ बहुत आगे आ चुकी है और धीरे धीरे पास आ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों की कगार पे लोग आए हैं, हज़ार हज़ार लोग आए हैं, पता नहीं कितने लोग आए हैं, सिर्फ पे लोगों के सर ही दिख रहे हैं। ये देखिए सब रथ की रस्सी खींच रहे हैं और रथ को खींच रहे हैं। और ये देखिए रथ से चल चुकी है।
लोग रथ की रस्सी खींच रहे हैं और जगन्नाथ देव की रथ यात्रा चल पड़ी है और सब लोग फूल छिड़का रहे हैं, फल छिड़का रहे हैं, उनकी रथ की शोभा यात्रा बढ़ा रहे हैं। इतना रश है कि मतलब रथ बहुत धीरे धीरे चल रही है। देखिए रथ चल रही है, देखिए अभी मंदिर से लेके मेन रोड तक आ गई है। यहाँ से जहाँ पे उनके टेम्पररी जो मौसी का घर बनाया गया है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पे दिखा के मैं आप लोगों को जहाँ पे ये जगन्नाथ देव, बलराम जी और सुभद्रा जी को 7 दिन के लिए रखा जाएगा वहाँ पे दिखा के ले जाऊँगा। देख सकते हैं लोगों की कितनी उत्साह है रथ की रस्सी खींचने के लिए, और रथ की रस्सी खींचना बहुत पुण्य का काम होता है बोला जाता है। मैंने भी खींचा है लेकिन वीडियो नहीं दिखा पाया आपको, बहुत भीड़ है। ये देख सकते हैं मतलब कितना लोगों में उत्साह है और कितने सारे लोग आए हैं। ये देखिए भगवान जगन्नाथ देव की रथ चल रही है, इतना भव्य यात्रा और भव्य रथ, फरीदाबाद के सबसे बड़ा रथ यात्रा, और मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम लाइव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये देखिए रथ चल पड़ी है, यहाँ से रथ टर्न लेके रोड पे पहुँचेगी। ये देखिए सब रथ की रस्सी खींच के लेके जा रहे हैं, रथ को भी लेके जा रहे हैं। और ये देखिए जगन्नाथ देव, बलराम जी और सुभद्रा जी रथ में विराजमान। अब रथ धीरे धीरे टर्न ले रही है और मेन रोड पे आ रही है। जगन्नाथ देव की भव्य रथ यात्रा,
ये देखिए ये पूजा अर्चना सब हो रहा है। ये देख रही कितने सारे लोग आए हैं, हज़ारों के कागार में लोग आए हैं, कम से कम गिना जाए तो कम से कम लाखों के आसपास लोग तो होंगे ही। और ये देखिए यहाँ पे प्रसादी बाटी जा रही है और जो भी रास्ते में फूल बिछाए जा रहे हैं। ये है जहाँ पे जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके आएंगे और यहाँ पे 7 दिन रहेंगे और यहाँ पे भव्य पंडाल बनाया गया है, यहाँ पे पूजा अर्चना होगी। देखिए कितना सुंदर पंडाल बनाया गया है, तो देख सकते हैं कितना भव्य पंडाल बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे 7 दिन जगन्नाथ जी इधर ही रुकेंगे, सेक्टर 15 से सेक्टर 14 तक आते हैं। और यहाँ पे विराजमान होंगे भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी, तीनों को यहाँ पे रखा जाएगा 7 दिन के लिए। ये मान्यता है कि बोला जाता है कि मौसी के घर में जाते हैं 7 दिन के लिए और फिर वापस अपने मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे चले जाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपको रथ यात्रा पे ले जाता हूँ, जो रथ यात्रा हो रहा है वहाँ से होके फिर ये यहाँ पर पहुँचाएँगे, ये भगवान जी यहाँ पे विराजमान रहेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखिए भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा चल रही है और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। ये है सेक्टर 15A फरीदाबाद में जगन्नाथ टेम्पल की भव्य रथ यात्रा और जगन्नाथ टेम्पल की वीडियो भी मेरी पिछले वीडियो में है चैनल में, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, आप उसको भी पसंद कीजिए, उसको भी शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फ्रॉम माच मिस्टी मोर। और हर साल ऐसे रथ यात्रा देखनी है, और एक बार बोले अगर आप रथ यात्रा घूम नहीं पाए तो ये वीडियो में पूरा देखिए। हैप्पी रथ यात्रा सबको, थैंक यू।